आपको अभी फिलहाल सीधा लिए चलते हैं जहां पर प्रदेश कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। अशोक गहलोत का संबोधन फिलहाल चल रहा है। लोग आए और दिल्ली के रामलीला मैदान में आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसके लिए आप बधाई के पास। राजस्थान के कार्यकर्ता बहुत जागरूक है, मजबूत है, समझता देश में क्या हो रहा है। इसलिए जो आह्वान किया AICC ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, हम लोगों ने आपको चूक नहीं करते। परसों की बात है, तय किया धरना देंगे, हम लोग ज्ञापन देंगे राज्यपाल महोदय, और दो दिन के अंदर आप लोग सब इकट्ठे हो गए और यहाँ बैठे हुए खाली SC के लोग नहीं है, ST के नहीं है, 36 कौम के लोग हैं। यही होना चाहिए। ये मुद्दा खाली SC ST का नहीं है, ये मुद्दा SC ST का नहीं है, ये मुद्दा संविधान की मूल भावना को बचाने का है, जिसकी धज्जियां उड़ा रहा है ये NDA गवर्नमेंट, मोदी जी और अमित शाह जी धज्जियां उड़ा रहे हैं। नागरिक संविधान, नागरिक संशोधन विधेयक क्या है? एक धर्म को अलग करके आपने कानून पास कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। क्या आप कर सकते थे? कर सकते थे? अगर आपने एक शुरुआत करी, पता नहीं आप कहां ले जाओगे। कभी कह दोगे RSS तो बोलने लग गई थी कि आरक्षण की जरूरत क्या है SC ST को, 70 साल हो गए, बोलने लग गई थी। बिहार चुनाव में सुना होगा आपने, मोहन भागवत बोले पहली बार, सफाया हो गया उनका, बिहार से सफाया हो गया BJP का। आपको याद होगा, फिर गोलमाल के बाद भी करता साथ के अंदर, ये जान बोल के भ्रम पैदा करने के लिए कभी आरक्षण को हटाओ की बात करेंगे, फिर कहेंगे हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा संदर्भ ये नहीं था। ये तमाम बातें जो हो रही है देश के अंदर, आशंका पैदा करते हैं, जिस रूप में, जिस तरीके से, फासिसी तरीके से एक तरफा फैसले किए जा रहे के बाद एक, आप बताइए उसके बाद में क्या जरूरत पड़ेगा। आज 400-500 जगह देश के अंदर धरने चल रहे हैं, राजस्थान में चल रहे हैं, 20-25 जगह पर धरने चल रहे। क्यों चल रहे हैं? सर्दी के वक्त में क्या तकलीफ हुई होगी महिलाओं, बच्चों को? मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, सोशल वर्कर भी थे, क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि इस सरकार पे विश्वास नहीं रहा लोगों का, सरकार बनना अलग बात है, विश्वास कायम रखना दूसरी बात है। विश्वास कायम रखा जाता है जब सारे फैसले अब आवाम क्या चाहती है उसकी मंशा को देख के होते हैं। क्या फैसला से कर रही हूँ? इस रूप में जब देश चल रहा है तो आरक्षण को खतरा होना स्वाभाविक है। जिस दिन इनके पूरा एजेंडा समाप्त हो जाएगा, कॉमन सिविल कोड लाने की बात चल रही है जो इनके मैनिफेस्टो के अंदर है, वो भी लाएंगे। उसके बाद में जब मौका लगेगा तो सूबे घोषणा मिलेगी, जैसे नोटबंदी की मिली, नहीं मिली आपको नोटबंदी क्या मिली? कि हमारे मोदी जी कैबिनेट चली, कैबिनेट वालों को बुलाया, कैबिनेट से उठ के गए, अभी आप रुको मैं वापस आता हूँ, उनको भी नहीं कहा, और सीधा TV में प्रसारण आया, उनका प्रसारण आया TV के अंदर, भाई और बहनों अभी 8 बजे हैं, रात को 12 बजे के बाद में आपका 500,000 नोट बंद हो गया है, 500,000 रुपए का नोट बंद, खत्म, खारिज कर दिया। ये कौन कर सकता है? और उसकी क्या दुर्गति हुई? पूरी देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, GST ने और बर्बाद कर दी है। आज पूरा देश आर्थिक संकट से दौर से गुजर रहा है। इनके खुद के एडवाइजर इकोनॉमिक रहे हुए, वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ICU में चली गई है। क्या क्या कमेंट नहीं आ रहे हैं? अरे निर्मला सीतारमण की वित्त मंत्री कहते, उनके पति कहते हैं इस सरकार को समझ ही नहीं अर्थव्यवस्था की, समझ नहीं। बताइए, पंडित नेहरू को छोड़ दिया इन्होंने, उनकी नीतियों को, अब इनको चाहिए नरसिम्हा राव के वक्त में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीति थी उनको अपनाए तो अर्थव्यवस्था बच जाए। एक केंद्रीय वित्त मंत्री के पति देव को ये बात कहनी पड़ती है, क्या कहें? इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है, क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है, क्योंकि देश में खाली मोदी जी और अमित शाह दो लोग राज कर रहे हैं, दो लोग राज कर रहे हैं। BJP के नेता भी अंदर अंदर धमड़े देने लग गए हैं।
वो भी मन ही मन कहता है कि इनको कुछ सबक मिलना चाहिए। अभी दिल्ली के चुनाव हुए, पहना मने लगे तो बीजेपी नेताओं ने कहा आपस के अंदर, मेरे पास खबर आई, आर्टिकल आया कि यार ये 20 जगह के आगे आएगी बीजेपी हमारी, ये तो सिंगल डिजिट पे आनी चाहिए थी। सुबह सुबह 20 पे आ गई थी ना, तो बीजेपी के लोगों ने कहा यार ये 20 कैसे आ गई, इनकी दुर्गति तो 8 एक डिजिट पे होनी चाहिए, 10 के अंदर अंदर होनी चाहिए। आप बताइए, इसलिए सब दुखी है, देश पूरा देश दुखी है। धीरे धीरे बीजेपी वाले खुद दुखी होते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये खतरनाक खेल है आरक्षण को लेकर के। आपको याद होगा पिछली बार मैंने लड़ी थी पूरी कांग्रेस में आरक्षण लेकर के, और हमारे जो थे हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया हमारे खिलाफ में, चीफ सेक्रेटरी को जेल भेज दिया, यूपी जेल भेजने का फैसला सुना दिया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जीत के आए। तो राजस्थान में शांति है, राजस्थान में शांति है। आज चाहे कोई वर्ग हो, सब संतुष्ट है सरकार के निर्णय से। ये खाली एकमात्र राजस्थान है देश के अंदर जिस राज्य में आराम से अपने फैसला करवा दिया और सबने स्वागत किया। पर जो सुप्रीम कोर्ट की नीत है और जो फैसला आया है उसको लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए, उसको अनफॉर्चुनेट बता रहे हैं। अब केंद्र को चाहिए, ये जो धरना क्यों दिया जा रहा है, केंद्र को चाहिए जो AICC ने, डॉक्टर सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जो फैसला किया है, पूरे देश के कार्यकर्ताओं का आह्वान करो, सभी लोग SC ST OBC MBC और आर्थिक रूप से पिछड़े को मिल गया आरक्षण 10%, इस आरक्षण की रक्षा के लिए वो लोग आगे आए, एकजुटता दिखाएं, जिससे कि भविष्य में हिम्मत नहीं हो आरक्षण को खत्म करने की। ये जो ध्वनि निकल रही इनकी बातों से, वो जो खतरा है आगाह करने के लिए आपको तकलीफ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया राज्यों को आप दबाव नहीं दे सकते हो आरक्षण देने के लिए प्रमोशन के अंदर। ये बहुत खतरनाक, मैं समझता हूँ कि संदेश जाएगा, इससे लोग घबरा गए हैं। मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं वापस संशोधन हो, सुनिश्चित करने के लिए प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, जितना उनका हक है तब मिलना चाहिए, जैसे राजस्थान में मिला है। राजस्थान को मॉडल बनाकर के क्यों नहीं केंद्र सरकार पूरे देश के राज्यों के अंदर प्रमोशन में आरक्षण लागू करवाए। मेन मुद्दा यह है जिसकी तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए। जनरल कास्ट को मिलेगा उसमें, उसके अनुपात के अंदर SC ST की जितना हक है उसको मिलेगा, कोई हार्ड बनी नहीं होगी, किसी को नहीं होगी। ये फैसला राजस्थान में हुआ है। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि आज आपका आना इस मायने में बहुत मायने रखता है। पूरा समाज एकजुट है SC ST के लोगों के लिए। कई बार हार्ड बनी होती है, मैं कहना चाहूंगा आपको, क्या आज भी अपनी ईमानदारी से बात करें, जो हमारा SC वर्ग है गांव में क्या स्थिति उसकी, हरिजनों की स्थिति क्या है, गटर में उतारते उसको सफाई करने के लिए मर जाते हैं गैस के अंदर, छुआछूत आज भी है गांव के अंदर, मीटिंग हो रही है सब बैठे हैं यहाँ पर और अलग दरी नहीं लगी हुई है, दरी पे खुद बैठेंगे, एक कोने के अंदर बिना दरी के शेड्यूल का लोग बैठते हैं, अलग से बैठते, ये स्थिति है। जिस मुल्क में छुआछूत हो, भेदभाव हो, 100 साल पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था राष्ट्रवाद से भी बड़ी मानवता है, जब मानवता नहीं रहेगी वह राष्ट्रवाद क्या रहेगा। और ये राष्ट्रवाद के नाम पे लोग भड़का रहे हैं, बीजेपी वाले RSS वाले राष्ट्रवाद का जहर घोल रहे हैं, इनका राष्ट्रवाद छद्म राष्ट्रवाद है। हम लोग बैठे हैं राष्ट्रवादी हैं, हम असली राष्ट्रवादी हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनका छद्म राष्ट्रवाद है, चुनाव जीतने के लिए है, हिंदुओं को भड़काने के लिए है। ये नहीं सोचते 20% आबादी मुस्लिम माइनॉरिटी की है, वो कहाँ जाएगी। आज ये मुस्लिम माइनॉरिटी पर हमला कर रहे हैं, कल फिर सिखों पे आएंगे, बुद्ध पे आएंगे, क्या चाहते हैं लोग। तो मैं चाहता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र का जो सपना इनका है कभी साकार नहीं होगा,
और हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों मैं आखिर में कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। आरएसएस वालों और बीजेपी वालों सुन लो, क्या एससी का आदमी हिंदू नहीं है? एसटी का हिंदू नहीं है? आपने कभी कोशिश की छुआछूत मिटाने की इनके साथ में? कितने परिवार के लोग आपके उनके हाथ बैठ के खाना खाते हैं? कितने परिवार के लोगों में छुआछूत मिटाने के लिए अभियान चलाया आप लोगों ने? कभी आरएसएस ने चला अभियान? हमारे नेताओं ने तो आजादी के वक्त में ही, जो बड़े बड़े नेता थे हमारे, जयनाय व्यास हो, चाहे श्री राजस्थान, चाहे माणिकलाल वर्मा हो, हीरालाल शास्त्री हो, उस जमाने में बड़े बड़े नेता हिंदुओं को मंदिर प्रवेश करना चाहते थे, आगे लाठी डंडा खाते थे। तुमने क्या किया 70 साल के अंदर? आप बात करते हो हिंदू संस्कार की, संस्कृति, परंपराओं की, क्या ये परंपरा नहीं है कि मानव मानव के साथ भेद हो रहा है? करते हो आप लोग कोई कोशिश? यार इसी वाले क्या चाहते हैं? हिंदू की बात करते हैं और हिंदुओं के अंदर भेदभाव करते हैं। पहले आरएसएस बेटे सब काम छोड़ करके छुआछूत मिलाने का काम करें, तब मैं समझूंगा आरएसएस का मकसद हिंदू राज बनाने की असली मंशा जो नहीं कर पाएंगे लोग। इसलिए मैं यही बात कहता हुआ मैं आपका आह्वान करूंगा, ध्वनि निकल रही है केंद्र सरकार के मंत्रियों से, इनके मेंबर पार्लियामेंट से, आरएसएस के नेताओं से, वो ध्वनि बड़ी खतरनाक है। कब जाकर के ये घोषणा करते हैं कि हम आरक्षण खत्म करते, आगे नहीं बढ़ाएंगे? कोई भरोसा इनका नहीं है, ये भरोसे लायक रही नहीं है, इतनी जरूरत पड़ी है धरने की। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन आपने अभी सुना, और साथ ही अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार की जो आरक्षण को लेकर मंशा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और देश में आरएसएस का एजेंडा लेकर भाजपा चल रही है, केंद्र सरकार चल रही है, सभी को साथ लेकर यहां पर नहीं चला जा रहा है। सरकार बनाना अलग बात होती है, लेकिन जनता का विश्वास कायम रखना, विश्वास जीतना एक बहुत बड़ी बात है और उसमें असफल केंद्र सरकार यहां पर रह रही है। आपको बता दें सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन रखा गया है, कांग्रेस का जयपुर में यह धरना प्रदर्शन रखा गया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आपने संबोधन फिलहाल सुना, अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार की आरक्षण को लेकर जो मंशा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आरएसएस का एजेंडा लेकर भाजपा चल रही है, और साथ ही कहा कि मोदी और शाह संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं।